बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं जोहेब और आप देख रहे हैं फूड कॉर्नर विद जोहेब। प्यारे दोस्तों, आज हम बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ एक मिनट के अंदर इतनी मज़ेदार सलेंटी बनाएंगे कि यकीन माने आप हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। तो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ पे दोस्तों मैं वाइट सिलेंटी का इस्तेमाल करूँगा। ये तकरीबन दोस्तों 100 ग्राम सिलेंटी है, ठीक है। ये आपको बाज़ार से किसी भी जगह से आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। ये आपने ले लेनी है। और यहाँ पे दोस्तों तकरीबन 100 ग्राम मैंने कलरफुल सिलेंटी ली है, ये भी आपको बाज़ार से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दो सिलेंडियाँ दोस्तों आज हम बनाएंगे। सो किस तरीके से बनाना है, सिंपल हम एक कढ़ाही लेंगे। कढ़ाही के अंदर दोस्तों आपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम छाननी के अंदर थोड़े से हम डालेंगे सिलेंडी के इस तरह से दाने, ठीक है। आपने डायरेक्ट उसके अंदर नहीं डाल देना, नहीं तो वो जल जाएगी, निकालते निकालते जल जाएगी। जस्ट आपने 5 से 6 सेकेंड इसके अंदर रखना, ठीक है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना, नहीं तो जो सिलेंडी है वो दोस्तों हमारी जल जाएगी। तो माशाल्लाह देखें दोस्तों, हमने तकरीबन 3 से 4 सेकंड इसके अंदर रखा है, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये बनकर रेडी हो चुकी है। तो आपने इसी तरह से दोस्तों आपने इसको मौका नहीं देना, अगर ये 2 से 3 सेकंड इसके अंदर ज़्यादा रही तो दोस्तों इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगेगा। तो आपने तकरीबन दोस्तों इस तरह से 1 से 2 सेकंड के अंदर अंदर ही बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो इसी तरह से दोस्तों हम बना लेते हैं अब कलरफुल सिलेंडी को। उसको भी दोस्तों आपने इस तरह से छाननी के अंदर डाल लेना, और हम इस तरह दोस्तों बस तकरीबन 3 से 4 सेकंड इसके अंदर रखेंगे। तो माशाल्लाह दोस्तों देखें कितनी आसानी के साथ, तो कितनी परफेक्ट बनकर ही बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आपने इसको बनाकर बिल्कुल रेडी कर लेना। तो प्यारे दोस्तों, बेहतर है कि आप बच्चों को घर में ही सिलेंटी बना के दें। बाज़ार की जो सिलेंटी है, पता नहीं किस ऑयल में बनाई जाती है, खस्ता ऑयल में। तो बेहतर है कि आप बच्चों को बाज़ार से परचेज़ ज़रूर कर लें सिलेंटी, लेकिन इसको घर में फ्राई करके अच्छे ऑयल के अंदर अच्छे तरीके के साथ बच्चों को सर्व करें। तो उम्मीद करता हूँ मैं प्यारे दोस्तों बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और भोरों को भी बहुत पसंद आएगी। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये सिलेंटी का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज़्ज़तें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।